वहीं नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान कांग्रेस विधायक चंदन कश्यप पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया है और उन्हें फिर से नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। वहीं एनबी न्यूज की टीम ने कांग्रेस विधायक चंदन कश्यप से खास बातचीत की और उनसे जाना कि कितना विकास उनके राज्य में हुआ है, साथ ही इस बार वो किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगे। देखिए रिपोर्ट। एनबी न्यूज की टीम फिर से एक बार नारायणपुर विधानसभा में पहुंची है, जहां 2018 में जहां टिकट चंदन कश्यप जी को मिला था। पूर्व मंत्री केदार कश्यप 15 साल के मंत्री थे, उन्हें पराजित कर फिर से एक बार विजय ये 2018 में हुए थे और अभी फिर 2023 चुनाव होने को है, जो कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार इनके ऊपर भरोसा जताई है। तो आइए जनता के बीच में ये किस मुद्दे को लेकर के इस बार फिर से 2023 के चुनाव में उतरेंगे, हम ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंदन कश्यप जी हैं, जो यहाँ के विधायक हैं और अभी फिर कांग्रेस पार्टी ने इन पे फिर से टिकट लगाया है। अभी फिर से कांग्रेस, पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब से 2018 में सत्ता संभाला तब से लेकर आज तक बहुत काम किया, विकास किया। जो पूर्ववर्ती सरकार 15 साल थी और यहाँ के विधायक आदरणीय केदार कश्यप मंत्री हुआ करते थे, सिर्फ हेलीकॉप्टर में उड़े और उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। आदरणीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में नारायणपुर में 4 तहसील बनाए, कोहकामेटा, छोटे डोंगर, मर्दापार और भानपुरी को, जबकि भानपुरी का उप तहसील 81-82 में खुला था, जो जगदलपुर में संचालित हो रहा था, और बस्तर तहसील पर बस्तर में संचालित हो रहा है। तीनों बाप बेटा मंत्री, सांसद, विधायक रहने के बावजूद भी वो काम नहीं किया था, जिसे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कर दिखाया। इससे हमको फायदा होगा और सड़कों का जाल बिछ गया है, पुल पुलियों का सब तरफ बन गया। और रही बात अबूझमार, जो आज 76 साल होने के बाद भी किसी ने बुझने का प्रयास नहीं किया था, उसको भी बुझने का प्रयास किया और लगभग 7,000 मसाहती पट्टा उन्होंने दिया है, जिससे वहाँ के किसान भी अपने वनोपज या अपनी उपज को बेचकर सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। माने फिर से सरकार बनी रही है और हम भी कांग्रेस को भरोसा नहीं तोड़ेंगे, हम जीत के आएंगे और विधानसभा में बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया है, फिर से अभी ये खड़ा उतरेंगे। अभी पूर्व मंत्री केदार कश्यप 15 साल के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जो हार का सामना करना पड़ा था उनको। अभी फिर से 2023 में चुनाव होने को है। हमारे साथ जो अभी मिले थे चंदन कश्यप जी हैं, मैं मनोज जंगम, मेरे साथ कैमरामैन साहिल दास।